हाय सूट स्क्वाड, सब कैसे हैं आप सब? गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अमेजिंग सा प्रोडक्ट और उसका हम करेंगे थॉरो रिव्यू। मतलब उसको अपने फेस पे लगाना भी है और उसके बाद प्राइस वाइज और सारी चीजों वाइज उसका अच्छे से रिव्यू करेंगे। सुरस्वीट का रिव्यू होगा, सुरस्वीट स्टाइल में। तो वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है क्योंकि जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ वो इतना फेमस है कि मैं क्या बताऊँ। बट प्रोडक्ट देखने से पहले गाइस, अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना, गो एंड फॉलो मी देयर। वहाँ पे अमेजिंग रील्स देखने को मिलेंगी। एंड मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो यार सुरस्वीट, एंड नोटिफिकेशन नहीं आती तो शाम के 7 बजे ना सुरस्वीट चैनल खोल लेना। एवरी डे मेरे वीडियो आते हैं, एवरी डे 7 PM आपसे मिलने आती हूँ हर रोज। तो चलिए अब आपको मैं जरा सीक्रेट खोलती हूँ और बताती हूँ वो कौन सा प्रोडक्ट है। वो है एस्टेक सीक्रेट की क्ले। सो इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं। एस्टेक सीक्रेट का इतना 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 नाम सुना है, फॉरेन के यूट्यूबर्स हो, इंडियन यूट्यूबर्स हो, सबने इसको यूज करते हुए मैंने कितने तो टिकटॉक वीडियोस देखे थे गाइस। सो मुझे लगा नहीं इसको लेना चाहिए और इसको ट्राई करना चाहिए। बहुत ज्यादा मेरा मन था इसको यूज करने का। सो इसमें बहुत सारे वेरियंट्स आते हैं। मैंने लिया है मोरक्कन राउसल क्ले, ठीक है, मोरक्कन राउसल क्ले। ये वाला वेरिएंट मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसमें इंडियन ब्यूटी, इंडियन हीलिंग क्ले करके भी नाम से आता है। सो इसमें 2-3 वेरिएंट्स होते हैं, आप उसमें से आपको जो पसंद आता है आप ले सकते हैं। सो इट इज़ एक्टिव लिविंग स्किन एंड हेयर केयर। तो स्किन पे भी लगा सकते हैं और बालों में भी लगा सकते हैं। मैं आपको अपने फेस पे लगा के दिखाऊंगी और फिर देखते हैं कि मेरे फेस पे मुझे कैसा फील हुआ, कैसा लगा। सारा रिव्यू पूरे वीडियो में मिलने वाला है। चलिए करते हैं इसका रिव्यू। सो गाइस, करते हैं अब इस मोरक्कन रॉसल क्ले का हम रिव्यू। और जो ये पैक आता है, इतना बड़ा ये पैक है 400 ग्राम्स का, और इसको हम यूज़ करेंगे और इससे हम फेस पैक बनाएंगे। सो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चेक कर दिया था और इसको मैं निकाल रही हूँ एक बोल में। जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए, मैंने अराउंड 2 टीस्पून जो है उसके बराबर मैंने ये फेस पैक निकाला है। एंड गाइस, इज सच अ नाइस फेस पैक। आप इसे फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, अपने हेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने डाला है रोज़ वाटर। आप चाहें तो क्लियर वाटर भी डाल सकते हैं, नॉट एन इशू। मुझे रोज़ वाटर ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने इसको डाला था। एंड आई एम मिक्सिंग इट वेल। और उसके बाद इसको हम लगाएंगे अपने फेस पर। गाइस, इस मास्क में मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि ये इट इज़ फ्री फ्रॉम पैराबेंस, पेट्रोलैटम, मिनरल ऑयल एंड आर्टिफिशियल कलर, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और बिल्कुल इतनी नेचुरल चीज़ अपने फेस पर लगाकर और भी अच्छा लगता है। तो उसको अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पर मैं लगा रही हूँ। एंड गाइज, इसको लगाने का भी, फेस पैक को भी एक तरीका होता है, आप नीचे से ऊपर की तरफ लगाएं ताकि आपकी स्किन को लिफ्ट भी करता है ये। सो अगर रिंकल्स की प्रॉब्लम है या ऐसा है तो नहीं होगी किसी भी चीज़ से। और बहुत मुझे बेसिकली यही था कि इसका इफेक्ट एक्ने पे कैसे होता है। लगाते समय बहुत अच्छा लग रहा था, इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग आल्सो, और बहुत ही नेचुरल चीज़ का ना, आई कुड फील इट दैट वे। और पूरे फेस पे लगा के मैंने अराउंड इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, जिससे उसका असर अच्छे से हो। 10 मिनट्स रखने के बाद मैं उसको फेस वॉश कर लिया था। और चलिए देखते हैं कि मेरा फाइनल रिव्यू इस एस्टेक मोरक्कन रॉसल क्ले पे क्या है। सो गाइज, मैं अब बारी आती है रिव्यू की। फर्स्ट इम्प्रेशन है मेरा इसके बारे में, उसकी बात करती हूँ। मैंने बहुत सारे पैक्स ट्राई करे हैं, मतलब बहुत सारे, बिकॉज आई एम इनटू दिस प्रोफेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो बहुत सारी चीजें आपके रिव्यू के लिए भी हम बहुत सारे खरीदते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं। मैंने ये एस्टेक सीक्रेट का इतना नाम सुना मैं बता नहीं सकती। सो मैंने उसकी मोरक्कन रियासल क्ले, मैंने ट्राई करी है। आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट। सो अब उसका जो मेरा, मैंने इसको लगाया है, क्या होता है कि बहुत सारे पैक हम लगाते हैं उसके बाद फेस पे बहुत ड्राइनेस आती है। मैंने अभी फेस पे सिर्फ ये पैक लगाया, उसके बाद मैंने अभी कुछ नहीं किया। अदरवाइज फेस पैक लगाने के बाद मैं टोनर लगाती हूँ और मॉइस्चराइजर लगाती हूँ ताकि आप अच्छे से मेरी स्किन देख सकें। एंड गाइज, मेरी स्किन इज लाइक बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील कर रही है और इसमें बिल्कुल ड्राइनेस मुझे नहीं फील कर रही, जैसे खिंचा खिंची सी दिखे, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। बहुत ही सॉफ्ट अच्छी स्किन दिख रही है मुझे। और आप देख सकते हैं फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, बिल्कुल मेरा नेचुरल फेस है। मैं बेसिकली भी इसलिए लगा रही थी क्योंकि मेरा फेस काफ़ी डैमेज हो गया था, तो उसको हील अप करने के लिए मैं लगा रही थी। सो गाइज, मेरा जो रिव्यू एस्टेक सीक्रेट की क्ले के लिए है, मोरक्कन क्ले के लिए है,
दैट इट इज अ वेरी नाइस डे गाइस। मतलब जितना इसका नाम सुना है इट इज वर्थ इट। और अब हम पूरा रिव्यू मैं इसका करती हूँ गाइस। हील एंड ब्यूटी की एस्टेक सीक्रेट की मोरक्कन रिहासुल क्ले, इसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड 1440 रुपीस की है और इसमें क्वांटिटी आपको बहुत अच्छी खासी मिल रही है। 400 ग्राम्स की ये क्वांटिटी आपको इसमें मिल रही है विच इज़ अ वेरी गुड क्वांटिटी। मतलब ये बहुत चलने वाली है क्योंकि जब भी आप अपने फेस पे लगाएंगे सिर्फ 1 टीस्पून लगती है। सो दिस इज व्हाट सो जरा अभी तो मैं 2 मिनट में आती हूँ इसका पूरा रिव्यू करने के लिए। सो गाइज अब एस्टेक सीक्रेट की मोरक्कन क्ले का करेंगे हम फाइनल रिव्यू। गाइज इसकी क्वांटिटी है 400 ग्राम्स और इसकी कॉस्ट पड़ती है अराउंड 1400 रुपीज विच इज अ वेरी गुड अमाउंट। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। प्राइस है इसका 1400 रुपीज के बराबर और क्वांटिटी आपको मिलती है 400 ग्राम जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी है इसमें और बहुत चलने वाली है क्योंकि एक बार फेस पैक लगाने के लिए आपको सिर्फ 1 या 2 टीस्पून की ज़रूरत पड़ती है विच इज़ वेरी लेस। तो ये काफ़ी चलने वाला है आपका। सो क्वांटिटी वाइज प्राइस वाइज मुझे बहुत सही लगा ये। दूसरी इस क्ले की अच्छी बात यह है गाइज आप इसको अपने फेस पे भी लगा सकते हैं और अपने बालों पे भी लगा सकते हैं। सो दोनों के लिए अच्छी है। सो कॉम्बी पैक आपको मिल जाता है हेयर मास्क लगाने का भी और फेस मास्क लगाने का है। सो ये एक ट्विन बेनिफिट है इसका। फेस पे लगाने के बाद अगर मैं अपना रिव्यू देखूं तो मुझे बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं लगी फेस पे, जो एक्सट्रीम ड्राइनेस बाकी फेस पैक लगा के लगती है। सो इस एस्टेक सीक्रेट के फेस पैक लगा के मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा बल्कि मेरा फेस मुझे बहुत ही ज़्यादा ग्लोई लग रहा है इसके बाद, जबकि मैंने इसे 1 या 2 बार ही इसको ट्राई किया और मुझे फेस बहुत अच्छा लगा अपना। एंड इसके अंदर और ये सूखता भी काफ़ी जल्दी है। मैंने लगाया फैन के नीचे विद इन 5-10 मिनट्स ये अच्छे से ड्राई हो गया था विच इज़ अनदर वेरी नाइस थिंग। और इसके बाद बेसिकली आपको टोनर लगाना है और मॉइस्चराइजर लगाना है एंड यू आर डन विद योर स्किन केयर। वट आई हैव प्लान इज आई विल पुट इट ट्वाइस अ वीक जिससे काफ़ी अच्छे से फेस भी अच्छा हो जाए। और बहुत अच्छी बात है मुझे इसको लगा के फील एक्चुअली हुआ कि आपके फेस के पिम्पल्स हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है आपके फेस पे वो दूर हो सकती है। तो जितना इसका मैंने एस्टेक सीक्रेट का नाम सुना है आज इसको यूज़ करके पहले तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी। एंड इसका रिव्यू करके और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। सो रिव्यू में मैं ज़रूर कहूँगी कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसका मुझे पार्टिकल्स भी बहुत सॉफ्ट थे, बहुत अच्छे से मिक्स हो गए थे, बिल्कुल लम्स नहीं बने थे और बहुत अच्छे से लग गया था। सो इफ यू हैव पिम्पल्स प्रॉब्लम और आपको 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है गो इन फॉर दिस मोरक्कन क्ले। आप चाहे तो इसका इंडियन हीलिंग क्ले भी आता है, इसमें 3 वेरिएंट्स हैं। सो आप वो तीनों देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा है। सो अपने हिसाब से, अपने स्किन के हिसाब से यू कैन एक्चुअली ट्राई ऑल द 3 वेरिएंट्स। सो व्हाट आई फील इज अबाउट दिस एस्टेक सीक्रेट क्ले इज आई गिव इट अ थम्स अप। मुझे अच्छा लगा ये इसका यूज करके अपने फेस पर, बहुत ज्यादा अच्छा लगा एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इन फिनिशिंग दिस बिग टब और कि इससे मुझे अपने स्किन को फायदा जरूर होने वाला है। और बिकॉज ये बहुत ही नेचुरल मुझे लगा, इसके अंदर बिल्कुल भी केमिकल वाली चीज नहीं मुझे नजर आई। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस मामले में। सो अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो एक थम्स अप जरूर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस और सुर से मिलने आना हर शाम 7 बजे। तब तक यार मुस्कुराते रहो, चिल्ड्रन रहो, मस्त रहो, हमसे जुड़े रहो। टेक केयर, बाय बाय।